आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से ट्रेन का टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने मोबाइल फोन से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है IRCTC। तो जब आप यहाँ पे IRCTC सर्च करेंगे तो इसके बाद आपके सामने जो पहला वेबसाइट आएगा IRCTC.co.in, तो इस वाले वेबसाइट को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट से आप किसी भी ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेकिन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास IRCTC का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन का, तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपका IRCTC का पहले से कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे आप टाइप करेंगे, और इसके बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, मतलब अगर आपका आईडी पहले से नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रजिस्टर का। तो आप यहां पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे फ़िलहाल मेरे पास IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो चलिए यहां पे मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करेंगे। तो यहां पर लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहां पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पे पहला ऑप्शन है बुक टिकट का, दूसरा ऑप्शन है अपकमिंग जर्नी का, और तीसरा ऑप्शन है लास्ट ट्रांजेक्शन का। तो टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है फ्रॉम का, और जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो है टू का। तो फ्रॉम में आपको सबसे पहले स्टेशन का नाम डालना है। जैसे फ्रॉम में आपको वो स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखना है जहाँ से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूँ, तो फ्रॉम में यहाँ पे मुझे लिखना है न्यू दिल्ली, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू दिल्ली आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको उस स्टेशन का नाम टाइप करना है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अब जैसे अभी मैं मुंबई सेंट्रल का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मुंबई लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम में यहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन का नाम आ चुका है, और टू में यहाँ पे मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि हम नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल का टिकट बुक करना चाहते हैं। तो स्टेशन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे डेट का, मतलब आप कितने तारीख की टिकट बुक करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगस्त की 30 तारीख का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 30 अगस्त मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 30 अगस्त की दिल्ली से मुंबई की जितनी भी ट्रेन होंगी अवेलेबल, मतलब जितनी भी ट्रेन चल रही होगी 30 तारीख को दिल्ली से मुंबई के लिए, तो वो सभी ट्रेनें आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे वो ट्रेन सेलेक्ट करना है जिसमें आप टिकट बुक करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लास देखने को मिलेंगे, जैसे स्लीपर क्लास, 3rd AC क्लास, 2nd AC क्लास, 1st AC क्लास। तो देखिए यहाँ पे जो 1st AC क्लास क्लास है उसका जो टिकट है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, 2nd AC का उससे थोड़ा सा कम होता है, और 3rd AC का उससे थोड़ा सा कम महंगा होता है, और जो स्लीपर है इसका टिकट सबसे सस्ता होता है। तो आप जिस भी क्लास में अपनी टिकट बुक करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं 3rd AC का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3rd AC पे क्लिक कर दूँगा। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे 4-5 डेट की सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 अगस्त को यहाँ पे 36 सीट अवेलेबल है, 31 अगस्त में 35 सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको जितने भी ग्रीन में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है
कि इस डेट को इतनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है इस ट्रेन में। और अगर यहाँ पे मैं स्लीपर क्लास में चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लीपर क्लास में भी यहाँ पे ग्रीन में शो हो रहा है, इसका मतलब स्लीपर में भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। और जैसे मान लीजिए मुझे किसी और ट्रेन में चेक करना है तो यहाँ पर मैं स्लीपर पर उस ट्रेन के यहाँ पर ला के उसमें उसके बाद मैं स्लीपर पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 30 अगस्त को 9 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, बाकी 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर यहाँ पे रेड में शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात ये समझना है कि जो भी यहाँ पे ग्रीन में डेट शो हो रही है इसका मतलब ये है कि इस डेट को इस ट्रेन में सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको यहाँ पे रेड में शो हो रहा है यानी कि WL लिखा हुआ है और यहाँ पे रेड में है वो, तो इसका मतलब ये है कि जो इस डेट की टिकट है वो सीट इसमें सीट खाली नहीं है और वो आपको वेटिंग में मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको सिर्फ वही टिकट बुक करना है जो आपको ग्रीन कलर में शो होता है और जिसमें आपको सीट्स अवेलेबल मिलती है। तो जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं इस ट्रेन में भी 17 सीट्स अवेलेबल है। तो जैसे मान लीजिए मुझे इसी ट्रेन का टिकट बुक करना है तो जिस भी ट्रेन का आप टिकट बुक करना चाहते हैं सबसे पहले आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट का आप टिकट बुक करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे 30 अगस्त का बुक करना है तो यहाँ पर मैंने 30 अगस्त सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे टिकट का नीचे फेयर भी दिख जाएगा कि जो स्लीपर क्लास का टिकट है वो कितने रुपए का है। इसके बाद अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा और आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ की टिकट बुक कर रहे हैं। अब जैसे अभी हम दिल्ली कैंट से बांद्रा टर्मिनस की टिकट बुक कर रहे हैं, ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर आपको ऊपर शो हो जाएगा और कितनी तारीख की हम टिकट बुक कर रहे हैं तो हम बुक कर रहे हैं 30 अगस्त की टिकट। तो ये सभी डिटेल्स आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और अब आपको यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल फिल करना होगा, मतलब जितने भी लोग आपके साथ जा रहे हैं, मतलब आप जितने भी लोगों का टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उनका नेम और एज लिखना पड़ेगा। तो जैसे अभी फ़िलहाल मैं अकेला जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपको अपना एज लिखना है कि आपकी एज कितनी साल है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप प्रेफरेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मुझे विंडो वाला सीट चाहिए तो यहाँ पे मैं लोअर सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर आपके साथ एक से ज़्यादा पैसेंजर हैं तो आप यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप दूसरे पैसेंजर की डिटेल फिल करेंगे। और अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ अपनी डिटेल फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना डिटेल फिल कर दिया है। इसके बाद जब आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और इसके बाद जब आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस का। तो इसको आपको यहाँ पे यस एंड आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट मोड का। तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप ये जो टिकट बुक कर रहे हैं इसका जो पेमेंट है वो आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो अगर आप भीम UPI यानी कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे पेटीएम से पेमेंट करना है तो यहाँ पर मैं सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, भीम UPI वाला। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे टिकट का प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब अभी तक आपने जो भी डिटेल फिल किया होगा वो सभी डिटेल आपके सामने एक बार फिर से आ जाएगा। तो एक बार आपको यहाँ पे फिर से दोबारा से सारी डिटेल को चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल किया है वो सही है या नहीं। और जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो इसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा सेम टू सेम आपको यहाँ पे टाइप करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम दोबारा से भीम UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पे यूजिंग भीम पावर्ड बाय पेटीएम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे पेटीएम का पेमेंट गेटवे आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिख रहा है इतने रुपए का अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे इतने रुपए का पेमेंट कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो आपका टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। तो देखिए पेमेंट करने के लिए या तो आप यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर टाइप करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे आप UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से
आप सेलेक्ट आई UPI ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने पेटीएम फ़ोन पे किसी भी ऐप से यहाँ पे इस टिकट का पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद जो यहाँ पे आपका टिकट है वो बुक हो जाएगा, और उसके बाद वहीं से आप अपने टिकट का जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।